वालेकुम फूड फरमाइश में आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा सा चिकन हॉट डॉग चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन हॉट डॉग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम बहुत बारीक टुकड़ों में कटा हुआ उसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर आधा टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा टी स्पून हल्दी पाउडर एक चौथाई टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़ीरा पाउडर वन फोर्थ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर वन फोर्थ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टी स्पून और गरम मसाला वन फोर्थ टी स्पून इन सारी चीज़ों को डालकर हमें मिक्स कर देना है मसाले हमें बहुत थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं क्योंकि हमें आगे भी इन मसालों की ज़रूरत होगी तो हम कम क्वांटिटी में अभी ऐड करेंगे इसके बाद यह हमें इसे मैरिनेट के लिए रख देना है फिर एक बर्तन में आप तेल लीजिए एक टीस्पून जितना और उसमें चिकन ऐड कर दीजिए ये चिकन डालकर आपको इसे अच्छी तरीके से पकाना है कि चिकन जो है अपना पूरा पानी छोड़ दे और उसमें ही वो अच्छी तरीके से पक जाए ये यहाँ पर चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इसमें ही हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर रखकर आप इसे पकाइए और जैसे ही इसका पानी सूख जाता है इसे साइड में रख दीजिए एक बोल में निकाल कर ये देखिए ये चिकन भी गल चुका है इसे हम निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे उसी सेम पैन में दो टीस्पून जितना तेल लिया मैंने उसमें राई डालना है वन फोर टीस्पून और थोड़े से कड़ी पत्ते इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है उसके बाद मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में उसमें मैंने एक हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी साथ में तो इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है और वैसे ही हम उसमें डाल देंगे बहुत बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च एक बहुत छोटा सा शिमला मिर्च लेकर उसे चॉप कर लीजिए फिर उसमें ऐड करिए दो टमाटर मीडियम साइज़ के और अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो सिर्फ एक ही ऐड करिए ये सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छी तरीके से पकाना है यहाँ हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून धनिया पाउडर वन फोर्थ टीस्पून ज़ीरा पाउडर वन फोर्थ टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते वक्त और मिर्च डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपने मैरिनेशन में भी डाला है और हमें यहाँ भी डालना है और आगे हम कुछ सॉसेस का भी यूज़ करने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी थोड़ी स्पाइसीनेस और सॉल्ट दोनों मौजूद होता है तो यहाँ हमें इन्हें थोड़ा ही पकाना है फिर ऐड कर दीजिए केचप एक टीस्पून, चिल्ली चिली सॉस एक टीस्पून, पेरी पेरी सॉस एक टीस्पून, सोया सॉस वन फोर्थ टीस्पून, विनेगर वन फोर्थ टीस्पून। ये सारी चीज़ों को डालकर आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए अच्छा अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं भी हो ना तो आप उसे स्किप कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे चिकन और डालकर हमें सिर्फ इसे दो से पाँच मिनट के लिए ही ए, मिक्स करके पकाना है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे इसमें मैंने ऐड किया है शेज़वान सॉस वन टेबल स्पून ये बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है अगर आप इसे ऐड ना करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और ये हमारा जो स्टफिंग है हॉट डॉग की वो बनकर तैयार हो चुकी है अब चलते हैं हॉट डॉग की तरफ यहाँ हमें इसे हॉट डॉग बन को इस तरीके से स्लीट कर लेना है और लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि इसमें से अंदर से कुछ जो ब्रेड है उसे निकाल लेते हैं ताकि उसकी कैविटी बन सके तो मैंने यहाँ पर उसे निकालने के बजाय हाथों से हल्के हल्के प्रेस कर दिया है और देखिए यहाँ पर अच्छी सी कैविटी बन गई इसकी अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्टफिंग्स सबसे पहले हम यहाँ पर मेयोनीज ऐड कर रहे हैं यहाँ आप जितना चाहें उतनी मेयोनीज ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा आपकी चॉइस है पेरी पेरी सॉस अगेन ऑप्शनल है आपके पास नहीं है तो आप कोई केचप भी ऐड कर सकते हैं फिर यहाँ पर हमें स्टफिंग डाल देनी है और स्टफिंग डालने के बाद हमें इसे जो चीज़ है उससे गार्निश करना है आप किसी भी टाइप का चीज़ ले सकते हैं देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया खूब सारी स्टफिंग डाली है इसमें ये मेरे पास ब्लेंडेड चीज़ थे मैंने वो डाला है आप कोई से भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं ऊपर से केचप डाल दीजिए और इसे आप चाहे तो बेक करिए या बिना बेक किए भी आप इसे खा सकते हैं थोड़ी सी गार्निश कर दीजिए हरी धनिए से हमारा ये हॉट डॉग जो है वो बनकर तैयार हो चुका है आप भी बनाइए खाइए और अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ